Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will start part 5 of chapter number 14, what? ठीक है, तो आज हम इसके लास्ट टू पेजेस पेज नंबर 145 एंड 146 इस वीडियो में कवर अप करेंगे, जिसमें आपका समरी पार्ट एंड एक्सरसाइज पार्ट कवर होता है. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे समरी पार्ट से. वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, हम सबको पता है पानी के बिना हम नहीं रह सकते. इट इज असेंशियल फॉर एवरी एक्टिविटी ऑफ अवर लाइफ. Water vapors gets added in air by evaporation and transpiration. Transpiration जो हमारे leaves हैं वो करते हैं, and evaporation oceans में से होती है due to heat of sun. Third one is the water vapor in the air condense to form a tiny droplet of water which appear like a cloud. इसके बाद कहते हैं जो ये water vapor है वो बहुत height पे जाने के बाद cool हो जाती है, cool होने पे condense हो जाती है, जो एक वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो हमें देखने में क्या लगते हैं, क्लाउड्स. मैनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज अ रेन, स्नो एंड हेल. और यही वाटर ड्रॉपलेट्स जब एक साथ नीचे धरती पे आते हैं, लैंड पे आते हैं, उसको हम बोलते हैं रेन, स्नो और हेल. नेक्स्ट वन इज रेन, हेल एंड स्नो रिप्लीश वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स एंड स्वाइल. तो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं जो ये रेन, हेल एंड स्नो हुई, उन्होंने इन रिवर, लेक, पोंड, वेल, स्वाइल, इन सबको क्या प्रोवाइड किया, वाटर प्रोवाइड किया. और वो वाटर एक्चुअली में आया कहाँ से था, जो ओशियंस में से इवेपोरेट हुआ पानी, फिर वो कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद वो फिर से नीचे आ गया बारिश की फॉर्म में, जो रिवर्स, लेक्स, पोंड्स में फिल अप हो जाता है. नेक्स्ट वन इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल. तो ओशियन से पानी लैंड तक जिस तरह से आता जाता रहता है, उस पूरे सर्कुलेशन को, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. एक्सेसिव रेन, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, मे कॉज फ्लड. ज़्यादा रेन होगी तो फ्लड्स आ जाएंगे. एंड लैक ऑफ रेन, लैक मतलब कमी हो जाना, उससे क्या हो गए, हमारे ड्रॉट हो जाएंगे, सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन द अर्थ इज लिमिटेड एंड नीड्स टू बी यूज केयरफुली. जो हमारा यूजेबल वाटर है, मतलब जो हमारे लिए फिट है यूज़ करने के लिए, उसकी जो क्वान्टिटी है बहुत कम है, इसलिए हमें उसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए, हमें वाटर की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए. ओके, सो दिस वॉज योर समरी पार्ट. लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पार्ट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इन टू वेपर्स इज कॉल्ड डैश. तो देखो, जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये पानी है, जब ये वेपर्स भाप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. सेकेंड वन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इन टू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जो ऊपर जाके बहुत ठंडा होने के बाद टाइनी ड्रॉपलेट बन जाती है, जो हमें क्लाउड की फॉर्म में दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. ओके, थर्ड वन इज नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मे लेड टू डैश इन अ रीजन. अभी लैक ऑफ रेनफॉल है तो क्या हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा वहाँ पे. फोर्थ वन इज एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा रेन हो जाएगी तो फ्लड आ जाएगा. सो एक्सेसिव रेन्स मे कॉज फ्लड्स. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज योर ट्रू फॉल्स. नहीं सॉरी, दैट इज जो आपको बताना है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन में. ठीक है, वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर. देखो, ये आपके पास गिलास है, इसमें बहुत ठंडा ठंडा पानी है. हम सबको पता है जो ठंडा ठंडा पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक कुछ भी है, उसके आसपास यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. वो किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू कूल एयर. कूल एयर मतलब वो कौन सा प्रोसेस होगा हमारा, कंडेंसेशन का. ओके, सेकेंड वन इज स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ वाइल दे आर आयरन. अब आप एक कपड़े को प्रेस कर रहे हो, ये आपकी टी शर्ट है, आप इस पर प्रेस कर रहे हो, प्रेस करने से क्या है, उसमें से गरम गरम भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है. वो कौन सा प्रोसेस है, दैट इज इवेपोरेशन. कि उस कपड़े में से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है. ओके, थर्ड वन इज फॉग अपीयरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग. जो धुंध है वो अपीयर हो रही है बहुत ठंडी 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 मॉर्निंग में, ठंड की मॉर्निंग में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. नेक्स्ट इज ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट. अब आपने ब्लैक बोर्ड पर गीला कपड़ा मारा, वो सूख गया, मतलब जो पानी है वो उड़ गया, सो उसको हम क्या बोलते हैं, अगेन इवेपोरेशन. लास्ट वन इज स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट गर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड
ऑन इट, तो बहुत गरम गरम आपके पास एक यूटेंसिल है, आपने उसके ऊपर पानी छिड़क दिया। पानी छिड़कने से क्या हुआ, धुआं निकलना शुरू हो गया, स्टीम निकलनी शुरू हो गई। इट मीन्स जो पानी है वो इतने गरम गरम सरफेस पे पड़ने से इवेपोरेट होना शुरू हो गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज इवेपोरेशन। ओके, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं हमारे ट्रू फॉल्स, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। वाटर वेपर्स इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ मॉनसून में वाटर वेपर्स होते हैं हवा में। नो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉनसून में हो, सिर्फ दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट इज वाटर इवेपोरेट इन टू एयर फ्रॉम ओशियन, हम सबको पता है रिवर एंड लेक, बट नॉट फ्रॉम द सॉइल, नहीं जी सॉइल में से भी होता है। सॉइल में से कैसे होता है, क्योंकि जो सॉइल है अगर बहुत देर तक बारिश नहीं होगी तो वो सॉइल ड्राई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें जितना भी पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाता है। थर्ड वन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यस, जब पानी वेपर्स में कन्वर्ट होता है हम उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। सो दिस वन इज ट्रू। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। तो वो बोलते हैं ओनली सनलाइट में होती है इवेपोरेशन। नो, जरूरी नहीं है, शेड में भी होती है अगर वहाँ पे गर्म हवा चल रही हो या वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म हो। सो दिस वन इज फॉल्स। लास्ट ट्रू फॉल्स देखो, वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन अपर लेयर ऑफ एयर व्हेन इट इज कूलर। सो यस, दिस इज ट्रू कि जो वाटर वेपर है जब बहुत ऊपर हाइट में चली जाती है वो कूल हो जाती है एंड एक ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमें किसकी फॉर्म में दिखता है, क्लाउड की फॉर्म में दिखता है। तो वही सब कुछ लिखा गया है। सो द लास्ट टर्म इज ट्रू। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सपोज यू वॉन्ट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली। आपकी स्कूल यूनिफॉर्म गीली है, आपको उसको बहुत जल्दी जल्दी सुखाना है। वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प यू, इफ यस हाउ। तो वो बोल रहे हैं अगर तुम उसको एक अंगीठी या ऐसे किसी फायर के आगे बिछा दोगे तो क्या वो जल्दी ड्राई हो जाएगी, एंड क्यों। देखो क्या होता है, जब हमारे कपड़े गीले होते हैं उसमें क्या है इस टाइम पे, वाटर, एंड हमें उस वाटर को क्या करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करवाना है, ताकि जो ये हमारी पैंट है वो क्या हो सके, हमारी जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो क्या हो सके, ड्राई हो सके। एंड वो किसकी हेल्प से होगी, हीट की हेल्प से। सो हम रीज़न क्या लिखेंगे, स्प्रेडिंग यूनिफॉर्म नियर एन अंगीठी और हीटर विल हेल्प बिकॉज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्यू टू हीट। हीट की प्रेजेंस से जो इवेपोरेशन है वो और जल्दी होगी और जो मेरी हमारी स्कूल यूनिफॉर्म है वो जल्दी ड्राई हो जाएगी। ड्राई का मतलब होता है सूख जाना, मतलब उसमें जितना भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर 5। टेक आउट अ कूल्ड बॉटल वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन द टेबल। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अराउंड इट। उन कहते हैं आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में एक बॉटल पड़ी है पानी की, ठंडे ठंडे पानी की, उसको बाहर निकालो, टेबल पे रखो, और थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे उस पर इस तरह के ड्रॉपलेट बन जाएंगे, जैसे आप इस ग्लास में भी देख सकते हो और बॉटल पे भी। ये क्यों होता है बच्चे, ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये बॉटल है बहुत ठंडी है और ये अपने अपने आसपास वाले थोड़े थोड़े जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं उसको भी ठंडा कर देती है, और वही एयर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होने के बाद इसके ऊपर क्या बन जाते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। सो हम रीज़न क्या देंगे, दिस इज बिकॉज द सर्फेस ऑफ एयर अराउंड द बॉटल कूल्स डाउन। इसके आसपास वाले जो एयर है यहाँ पे वो ठंडी हो जाएगी, ठंडे होने से वो क्या हो जाएगी, कंडेंस, बिकॉज वी ऑल नो दैट जैसे ही टेम्परेचर कूल होता है वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस एंड कन्वर्ट्स इंटू वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, तो वही वाटर ड्रॉपलेट है जो हमें ठंडी ठंडी बॉटल या ठंडे पानी के गिलास के बाहर दिखती है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल ऑफन ब्रीद आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट। एक्सप्लेन वाई द ग्लासेस आर वेट बिकम वेट। देखो जिनके पास स्पेक्स है उनको तो पता भी होगा, कहते हैं आप अपने ग्लासेस को, स्पेक्टिकल्स को साफ करने के लिए पहले इसके ऊपर अपने माउथ से हवा डालते हो फिर उसको क्लीन करते हो। ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान से सुनना। द एयर वी ब्रीद आउट, मतलब जो हम अपने माउथ से हवा ऐसे बाहर निकालते हैं, कंटेन्स वाटर वेपर विच कंडेंस ऑन द सर्फेस ऑफ स्पेक्टिकल, वो जो इसको थोड़ा थोड़ा गीला कर देती हैं, सो द ग्लास बिकम वेट, जिससे जो ग्लास है, जो ये शीशा है आपके स्पेक्टिकल का, वो गीला हो जाता है, एंड फिर आप किसी भी क्लॉथ की हेल्प से उसको इजीली क्लीन कर सकते हो। एंड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इट बिकम ईजियर टू क्लीन द स्पेक्टिकल्स। इसीलिए स्पेक्टिकल्स को क्लीन करने के लिए पहले ब्रीथ आउट किया जाता है उसके ऊपर, ताकि थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट आ जाए एंड उन वाटर ड्रॉपलेट की हेल्प से हम उसको क्लीन कर सके। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। जैसे देखो इस लड़की ने किया, इसने पहले यहाँ पे थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट रख लिया, वो उसको क्लीन कर रही है। ओके,
नेक्स्ट वन इज हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म. क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बिल्कुल सिंपल है. देखो सबसे पहले वाटर वेपर बनेंगी, फिर वो हाई ऊपर जाएंगी, उसके बाद उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूलर. कूलर होने के बाद वो कंडेंसेशन का प्रोसेस करेंगे एंड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होंगी, जो हमें किसकी फॉर्म में दिखती हैं, क्लाउड की फॉर्म में. लिखना कैसे है ध्यान से सुनो. द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ. एज वी गो हायर, जैसे जैसे कहते हैं हम हाइट ऊपर करते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, इट गेट्स कूलर. वैन द एयर मूव्स अप, जो वाटर वेपर है वो ऊपर जा रही है, इट बिकम्स कूलर एंड कूलर. एट सफिशियंट हाइट, जब एक पूरी सफिशियंट हाइट पे वो पहुंच जाती है, द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट्स कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स. तो इतनी ऊपर पहुंचने के बाद जो वो वेपर है वो एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में लाइक दिस कन्वर्ट हो जाती है, और यही टाइनी ड्रॉपलेट जब हवा में फ्लोट करते हैं वो हमें किसकी तरह दिखाई देते हैं, क्लाउड्स की तरह. तो यही एक प्रोसेस है जिससे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, कि जो वेपर्स हैं वो बहुत हाइट ले लेती हैं, एक सफिशियंट हाइट पर जाकर जब वो बहुत ठंडी हो जाती हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, उस टाइम पे वो कंडेंस होनी शुरू हो जाती हैं एंड वो एक टाइनी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो जो ड्रॉपलेट पहले यहाँ पे, फिर टेम्परेचर और ज़्यादा हो रहा है, मतलब ठंड हो रही है, ठंडा ठंडा हो रहा है, यहाँ पे जाके वो कंडेंस हो गई और जो वाटर ड्रॉपलेट है वो हमें किसकी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, एक क्लाउड की फॉर्म में. ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन डज अ ड्रॉट अकर, ड्रॉट कब होता है, जब रेन नहीं होती, जब साल के लिए दो साल के लिए वहाँ रेन ही नहीं हो रही है, सिर्फ इवेपोरेशन ही हो रही है, तो सब कुछ सूखा पड़ना शुरू हो जाता है. इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर टू और मोर ईयर्स, वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल. जो सॉइल का जितना भी पानी है सारा इवेपोरेट हो गया, सारा सूख गया, एंड जितने भी वहाँ प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, सारे ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से पानी को इवेपोरेट कर देते हैं. सिंस इट इज नॉट बीन ब्रॉट बैक बाई द रेन, द सॉइल बिकम्स ड्राई. बारिश तो हो नहीं रही, सिर्फ इवेपोरेशन हो रही है, सिर्फ पानी उड़ रहा है, आ नहीं रहा, जिसकी वजह से जो वहाँ की सारी सॉइल है, वहाँ की सारी लैंड है, वो क्या होने लग जाती है, ड्राई होने लग जाती है. The level of water in pond and well of this reason go down. वहाँ पर जो rivers हैं, wells हैं, ponds हैं, उनका पानी का level भी लो हो जाता है, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही, बारिश होगी तभी उनमें पानी आएगा. So this situation is known as drought. The ग्राउंड वाटर में बिकम स्कार्स, जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो भी डाउन हो जाता है. जैसे आप देख सकते हो जो ये सॉइल है इसमें सारा पानी उड़ चुका है, पर यहाँ पर रेन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये वाटरलेस हो गई है, एंड इस सिचुएशन को हम सब बोलते हैं drought. ओके, सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर विद न्यू पेजेस. आई विल सी यू सून इन दैट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.